अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ पुडिंग, चाइना ग्रास और साबुदाना की पुडिंग। चलिए बनाते हैं। चाइना ग्रास पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर चाइना ग्रास, ये मैं 20 ग्राम का लेकर हूँ, दूध आधा लीटर, साबुदाना, चीनी, फूड कलर ग्रीन और यहाँ पर रोज सिरप, हमें इतना चाहिए। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाइना ग्रास को पानी में भिगोकर रख लेंगे। ये 20 ग्राम का है ये चाइना ग्रास, इसको हम पानी डालकर एक गिलास इसको अच्छे से भिगोकर रख लेंगे। अभी भीगने तक हम दूध को पका लेंगे। यहाँ पर मैं क्या जान कर ली हूँ, दूध को हम गरम के लिए रख देंगे। यहाँ पर दूध गरम हो रहा है और यहाँ पर मैं साबुदाना के लिए पानी रख ली हूँ। मैं पानी में साबुदाना डालेंगे, पानी थोड़ा गर्म होने के बाद हम उसमें डाल लेंगे। पानी को गर्म होने देंगे और दूध को भी अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है, मैं यहाँ एक कप जितना साबुदाना ली हूँ, मैं इसमें अभी आधा ले रही हूँ। हमें इतना चाहिए साबुदाना, इसको और पकने देंगे अच्छे से, इसको हम गलने देना है इसको। थोड़ा सा मैं ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ इसमें। इसको हमें अच्छे से इसको पकने देना है इसको, और पकने देंगे, दूध भी गर्म हो रहा है और इसको भी हम 5 से 10 मिनट के लिए हम इस साबुदाने को अच्छे से हम पकने देना है। देखिए साबुदाना पक चुके हैं, अभी मैं इसको उतार लेती हूँ। इसको उतार कर मैं छान लेती हूँ, तब तक हम चाइना ग्रास को स्टोव पर रख लेंगे। ये उतारती हूँ और ये रखती हूँ। देखिए चाइना ग्रास भी अच्छे से भीग चुका है, अभी मैं इसमें डाल लेती हूँ। अब इसको भी हम अच्छे से पकने देंगे, इसको अच्छे से पकने देंगे। अब मैं साबुदाना को पूरा पानी से निकाल लेती हूँ बाहर। यहाँ दूध गर्म हो रहा है, मैं इसमें 5 से 6 टीस्पून जितनी चीनी मैं इसमें डालती हूँ। आपको मीठा जितना चाहे आप उतना डाल सकते हैं, फिर भी मीठा ज्यादा खाने वालों को मीठा ज्यादा डालकर दीजिए। मैं अपने हिसाब से मैं यहाँ पर शक्कर चीनी डाली हूँ। अभी इसको चीनी को भी हम अच्छे से पकने देंगे। दूध गाढ़ा रहना है, दूध पतला नहीं रहना है, दूध को गाढ़ा ही रखना है। देखिए इसको और भी थोड़ा अच्छे से पकना है, ये इसको और भी पका लेंगे। इसको देखिए अभी अभी बाकी है, इसको और भी पकना है। इसको देखिए मैं छान ली हूँ साबुदाना को, अभी मैं इसे दूध में डाल देती हूँ। मैं ऐसे चाय की छन्नी में छानी हूँ, आपके पास जो बड़ी चीज है छानने के लिए आप उसमें छान ले सकते हैं। देखिए साबुदाना मैं डाल ली हूँ इसमें, अभी मैं यहाँ पर चाइना ग्रास भी इसमें डाल लेती हूँ। अच्छे से मिला लेंगे इसको।
अब मैं इसमें थोड़ा सा रोज सिरप डालती हूँ। आपको रोज सिरप नहीं चाहिए तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर रोज सिरप डाली हूँ, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी इसमें आती है। अभी गैस को बंद कर लेती हूँ मैं, इसको ठंडे को रखकर अब मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से सब्सक्राइब करना करना याद से कीजिए। अभी मैं इसको ठंडे को रख लेती हूँ। ये देखिए मैं अभी इसमें डाल लेती हूँ। हम 5 से 10 मिनट तक बाहर रखेंगे, उसके बाद ये फ्रिज में रखकर मैं आपको निकालकर बाद में बताती हूँ फिर से। ये देखिए पुडिंग तैयार हो गया है, चाइना ग्रास और साबुदाने का। ये देखिए घट हो गया, अभी मैं इसको निकालकर बताती हूँ आपको। देखिए हो गया, अभी मैं आपको प्लेट में निकालकर बताती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है। देखिए ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा बना है। यहाँ देखिए कितना सॉफ्ट कितना स्मूथ हो गया है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। जरूर से इसे बनाकर खाकर देखिए, बहुत इजी भी है, बस झटपट बन भी जाता है। बहुत बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। चाइना ग्रास साबुदाने की पुडिंग बनाकर मैं दिखाई हूँ, आप भी जरूर से बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फ्रिज में रखकर देने से ठंडा रहता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। बच्चे आकर खेलकर आकर भी पूछकर खाएंगे बच्चे, उतना अच्छा लगता है। और जरूर से बनाइए खाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।